हेलो वंस अगेन। अभी आप थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा श्रीलंका वर्सेस इंडिया का मैच ख़त्म हुआ है और इंडिया जो है वो मैच हार गई है। श्रीलंका 4 विकेट से मैच जीत गया है। मैंने आपको पहले ही कहा था मैच के शुरू होने से पहले कि ये मैच 50-50 है, बिकॉज दोनों टीमें नहीं हैं। आज इंडिया की तरफ से 4 प्लेयरों ने डेब्यू किया, ऋतुराज गायकवाड़, पडिक्कल और आपका चेतन सकरिया, एक और आपके नीतीश राणा। अगर हम मैच की बात करें तो पहले हम इंडिया की बैटिंग की बात करेंगे। इंडिया ने पहले पावर प्ले में बहुत अच्छी बैटिंग की, कोई विकेट नहीं गिरा। बट यहाँ पे हमें एक चीज़ देखनी होगी कि स्कोर कम था, पर स्कोर कम क्यों था ये सबसे ज़रूरी बात सोचने की है, जानने की है। वो स्कोर कम इसलिए हुआ कि जो पिच थी वो बहुत स्लो थी, 2 पेस पिच थी। यहाँ पे बॉल जैसे आना चाहिए था वो आ नहीं रहा था, जो स्पिनर्स को बॉल काफ़ी टर्न मिल रहा था, स्लो बॉल जो थी वो ग्रिप कर रही थी। सो ये भी एक रीज़न है कि वो स्ट्रोक मेकिंग जो एबिलिटी है प्लेयर्स के अंदर, वो जो स्ट्रोक खेलने की जो काबिलियत है वो नहीं ली हो पा रही थी। आपने देखा होगा जितने भी प्लेयरों ने शॉट मारने की कोशिश की वो आउट हुए, चाहे वो धवन हो चाहे वो पडिक्कल हो, क्योंकि बॉल जितनी स्पीड से आना चाहिए बैट पे उतनी स्पीड से आ नहीं रहा था, क्योंकि वो 2 पेस विकेट थी, इसीलिए ये स्कोर लगा नहीं, बड़ा स्कोर लगा नहीं पाए। अब आप इसमें देखें सब, अब धवन की जो बैटिंग थी, धवन ने रन बनाए 40-42 बॉल्स में, ऋतुराज गायकवाड़ ने 21-18 बॉल्स, देवदत्त पडिक्कल 29-23 बॉल्स, उसके बाद कोई भी रन नहीं कर पाया। सो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पिच है वो आज बैटिंग के लिए नहीं थी। बट अब मैं अब होता क्या है कि लोग एक्सक्यूज़ देते हैं, कहते हैं कि हमने 10 रन शॉर्ट थे, हम 15 रन शॉर्ट थे, यहाँ वो बात है ही नहीं। अगर आप 10 रन आगे, ये तो बैटिंग वालों को सोचना चाहिए ना, आप 10 रन शॉर्ट हैं, आपके लिए जो स्कोर हो पार स्कोर है कि नहीं है। इंडिया ने जो स्कोर किया आई थिंक वो स्कोर पार स्कोर था, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया की बॉलिंग में थोड़ा लैक था। रीज़न मैं आपको बताता हूँ। आप जब इंडिया की बॉलिंग देखते हैं तो सबसे पहले आप ये देखते हैं कि चेतन सकरिया, जिन्होंने बॉलिंग करते हुए आज इकोनॉमी 9.3 की इकोनॉमी से उन्होंने रन दिए हैं, भुवनेश्वर कुमार 5.2, वरुण चक्रवर्ती 4 समथिंग है, तो इकोनॉमी का बहुत फ़र्क पड़ता है। राहुल चहर 6.8, कुलदीप यादव 7.5। चेतन सकरिया न्यू है, उन्हें अभी सीखने की ज़रूरत है। उन्होंने 3.4 ओवर में 34 पे 1, 9.3 की एवरेज। सो मेरे हिसाब से इंडिया की फील्डिंग भी थोड़ा सा वीक रही है। श्रीलंका ने अच्छी बॉलिंग की, अच्छी फील्डिंग की, और मैंने आपको पहले कहा था ये मैच 50-50 होगा। सो जो टीम थोड़ा सा अच्छा खेलगी वो जीत गई, क्योंकि पलर दोनों तरफ बराबर था, जो थोड़ा सा अच्छा खेल गया वो जीत गया। सो ये मैच जो था वो श्रीलंका जीत गई। सीरीज़ के हवाले से अच्छी बात भी है, एज अ इंडियन फ़ैन तो मैं तो चाहता हूँ कि सीरीज़ हम जीत जाते, बट एक एज अ क्रिकेट फ़ैन मैं ये कहता हूँ कि अच्छा है, सीरीज़ लेवल हो गई, अब फाइनल देखने में मज़ा आएगा। सो अब इंडिया एक बुरी खबर भी है, अब ये पता नहीं है कि नवदीप सैनी को कितनी चोट है, बट उनके शोल्डर पे शोल्डर के बल वो गिरे तो उनके शोल्डर में चोट आ गई है, अभी पता चलेगा कि कितनी गहरी चोट है। भगवान करे ज़्यादा सीरियस ना हो, बिकॉज़ हमारे पास वैसे ही बहुत कम प्लेयर्स हैं पूल में जो आके खेल सकते हैं। ओवरऑल बहुत अच्छा मैच था, मज़ा आया देख के, आई होप आप लोगों को भी मज़ा आया होगा देख के। ऐसी पिचेस पे लो स्कोरिंग मैच होते हैं और लो स्कोरिंग मैच हमेशा फंसते हैं मैच। अगर इंडिया थोड़ा सा और फील्डिंग अच्छी करती तो ये मैच फंस जाता। थोड़ा सा अंपायरिंग भी पुअर रही है, जैसे अभी लास्ट ओवर में प्लेयर ऑलरेडी बाहर निकल गया था, सकरिया की बॉल बाहर निकलती है लेफ्ट हैंड एंगल से, अंपायर ने वाइड दे दिया, वहाँ पे एक सिंगल भी हो गया तो 2 रन हो गए। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे मैच कोस्ट कर जाता है टीमों को, बट ओवरऑल इट्स अ ग्रेट मैच, मज़ा आया देख के, आई होप सबको मज़ा आया होगा। सो बात करते हैं आगे, एक दूसरा मैच भी चल रहा है, वेस्ट इंडीज़ वर्सेस पाकिस्तान।
हालांकि मैच वो जो है वो नो रिज़ल्ट रहा, बिकॉज बारिश की वजह से टॉस हुआ, पाकिस्तान ने टॉस जीता, पहले बॉलिंग का फैसला किया, उसके बाद बारिश आ गई, काफ़ी देर बारिश रही, फिर मैच घट के 9 ओवर का हुआ, उसके बाद वेस्ट इंडीज़ ने बैटिंग करी 85/5 9 ओवर्स में। जैसे ही फर्स्ट इनिंग ख़त्म हुई प्लेयर्स डगआउट में गए, फिर से बारिश आ गई और उसके बाद मैच नहीं हो पाया। तो ये जो फर्स्ट T20 है पाकिस्तान वर्सेज वेस्ट इंडीज़ वो नो रिज़ल्ट रहा, और इंडिया वर्सेज श्रीलंका, श्रीलंका जीत गई। सो अब देखते हैं लास्ट मैच में कौन बाजी मारता है। मैच कोई भी जीते, बट हमें मैच ऐसे ही क्लोज मैच देखने का मज़ा आता है, वन साइडेड मैच का कभी मज़ा नहीं होता। और वैसे भी आप सब जानते हैं T20 मैच होते हैं वो वैसे भी मार धाड़ क्रिकेट होती है। सो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी मैंने अपनी पहली वीडियो में भी आप लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि जो जो भी मेरी वीडियो देखे, कोई भी गलती या कोई भी कमी होती है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। मेरा मैं न्यू हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, सो मुझे कोई आइडिया नहीं है कैसे वीडियोस करते हैं कैसे नहीं करते हैं। एक छोटी सी ट्राई कर रहा हूँ, पहली वीडियो मैंने बहुत शॉर्ट की थी, तो और मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं मैच के बाद भी आऊँगा। सो ये है मेरी सेकंड वीडियो। सो गाइज़ अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और अच्छी ना भी लगे तो भी मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।